So today we are going to do chapter 2, what is cause, and in that we are going to do modern philosophy. So medieval philosophy was greatly influenced by Aristotle's cosmology. That is, in medieval period, when Aristotle existed, Aristotle's philosophy about cosmology that we studied before, that was of great importance. His view was practical. Okay. However, after the emergence of modern science, Aristotle's view regarding the origin of the universe took a backseat. That means after science came into progress, after science progressed, technology came into existence, Aristotle's view regarding the universe, that is the Aristotle's view, that universe is made up of certain substance and everything has a soul. That view and that nothing is mechanical, that view took a backseat. Backseat means it was not considered anymore. Yani ki jab science ka invention hone laga, tabhi Aristotle ka view tha na ki har cheez ke andar ek soul rehte hai aur sab mechanical nahi hai, God move karte hai har cheez ko. Wo view abhi accept nahi kar sakte science ko. Okay, jaise science in existence mein aane laga. Science underlined the fact that mere speculation, even when it is logically consistent, is not enough for the understanding of the universe. It must have a strong basis of experience too. So science ke hisab se log bolte ki jo bhi hum log abhi Aristotle ka view jo bhi bola to correct hai, logically dekha jaye to correct hai, lekin science bolte ki sirf logic use karke fayda nahi hai, hum log experience karna chahiye. जैसे सोल, एरिस्टोटल ने बोला हर चीज के अंदर एक सोल है, क्या हम वो सोल एक्सपीरियंस कर सकते हैं? साइंस के हिसाब से नहीं. तो साइंस बोलते हैं अगर कुछ चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ लॉजिक यूज करके हम लोग उसको नहीं बोल सकते कि वो रियलिटी है. एम्पिरिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मॉडर्न फिलोसफी कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड. एम्पिरिज्म एंड रैशनलिज्म आर द टू मेन ट्रेंड्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी. एम्पिरिज्म एक ऐसा व्यू है जो जो आइडियलिस्ट व्यू रहते हैं ना उसको एम्पिरिस्ट व्यू बोलते हैं, और जो रैशनल थिंकिंग यानी कि करेक्ट थिंकिंग रहते हैं, हर चीज को रीजन के थ्रू देखते हैं, वो रैशनलिस्ट थिंकिंग होते हैं. तो ये एम्पिरिज्म और रैशनलिज्म ये दोनों ट्रेंड था एपिस्टेमोलॉजी में, बहुत फेमस था एपिस्टेमोलॉजी. एम्पिरिस्ट फिलोसोफर डेविड ह्यूम रिगार्डिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हम लोग ये चैप्टर में जो करेंगे वो है डेविड ह्यूम का जो अंडरस्टैंडिंग है कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप के बारे में, हम लोग वो पढ़ेंगे. ओके. एरिस्टोटल्स व्यू अबाउट द वर्ल्ड वर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम हिज स्पेकुलेशन. इट डिड नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ एक्सपीरियंस. हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड वाज टेलियोलॉजिकल. द पर्पस और अल्टीमेट कॉज बिहाइंड एवरी चेंज वाज इंपॉर्टेंट टू हिम. Similarly, he considered the efficient cause to be important. His analysis of causation was very useful. However, it was not possible to apply this concept of final cause and efficient cause to explain the changes of occurring in nature. जो एरिस्टोटल का जो चार टाइप ऑफ कॉज बताया गया ना, वो हर ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन नेचर में नहीं. जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हम लोग, कि मैं ये जो स्टोन है उससे मूर्ति बनते हैं, फिर उस वो मूर्तिकार उसका ये एफिशिएंट कॉज रहते हैं, उसका फॉर्मल कॉज मूर्तिकार का आइडिया, और उसका फाइनल कॉज वो रीजन. वो हम लोग एक मैन मेड ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का क्या, अर्थ का क्या, प्लैनेट्स का क्या, सन का क्या, मून का क्या? तो इसीलिए वो सब उसमें इस एरिस्टोटल का ये भी अप्लाई नहीं कर सकते. In modern times, the idea that is change in nature is caused by someone for something was not acceptable. यानी कि जो modern times है, जैसे science का invention हुआ, तो ये जो changes होते world में, वो someone, यानी कि किसी से कोई ये कर रहा है, ये change कर रहा है, वो idea उन लोग और वो idea और उसका reason उन लोग ने accept नहीं किया. क्योंकि साइंस के हिसाब से एक समन नहीं होते, ये एक मैकेनिकल तरीका है अर्थ फॉर्म होने का. साइंस एमर्ज्ड इन द पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट. मॉडर्न साइंसेस टुक लुक्स एट द वर्ल्ड एज अ जायंट मशीन.
जो साइंस है ना वो पूरे वर्ल्ड में एक मशीन की तरह रहते हैं। मशीन कैसे, स्विच ऑन करो और फिर लोग एक एक अपना प्रोसीजर जो है वो करेगा। तो साइंस बोलते कि ये वर्ल्ड है ना वो भी एक बड़ा सा मशीन ही है, कि उसका स्विच किसी ने ऑन किया और वो अपना मशीन की तरह चलने लगा। ओके, इन मॉडर्न टाइम्स, हाँ, दिस पर्सपेक्टिव बिलीव्स दैट इवेंट्स इन नेचर ऑकर मैकेनिकली अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर। साइंस ने बहुत सारे लॉज निकाले, जैसे ग्रेविटेशन, फिर क्या बोलते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन का, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो लोग रिपल सेपरेट हो जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे लॉज निकाले साइंस ने और बोलते हैं कि नेचर जो है, जो वर्ल्ड है, वो ये लॉ के हिसाब से ही चलते हैं। मेयर लॉजिकल कंसिस्टेंट थिंकिंग इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सिर्फ लॉजिकली समझिएगा तो हम लोग को नेचर ऑफ द वर्ल्ड नहीं पता चलेगा। एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ते हैं, रिसर्च करना पड़ते हैं, इनडेप्थ स्टडी करना पड़ते हैं, तब हम लोग को पता चलेगा कि वर्ल्ड ऐसे क्यों चलते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स एरिस्टोटल्स टेलीलॉजिकल व्यू वॉज रिप्लेस बाय मैकेनिकल व्यू ऑफ साइंस। एरिस्टोटल का जो टेलीलॉजिकल व्यू, यानी कि जो व्यू था गॉड इज अनमूव्ड मूवर, दैट वॉज रिप्लेस्ड विथ साइंटिफिक व्यू दैट इज एवरीथिंग इज मैकेनिकल, मीन्स everything functions in a mechanical, yani machine like way. The leap was taken by science during this period had a profound impact on modern epistemology. jo science ne jo leap yani ki jo chalang liya ye advancement ke liye, to bahut impact kiya tha apne modern epistemology, modern view of cause, usme bahut effect kiya, impact hua tha. Of the two trends of epistemology mentioned above, rationalism is influenced by the method of mathematics, while empirism is influenced by the method of science. यानी कि rationalists जो हैं, वो mathematics follow करते हैं हर चीज के लिए, एक mathematical order रहते हैं, यानी कि जो mathematical terms, geometry और algebra, उसमें believe करते हैं rationalist, okay? और empirist वो लोग हैं जो science में believe करते हैं. Okay, so one of the most important philosophers who advocated empirism is David Hume. हम लोग ये चैप्टर में डेविड ह्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं और डेविड ह्यूम का एम्पिरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. His views on causation are very noteworthy. यानी कि डेविड ह्यूम का जो व्यू था कॉज के बारे में वो बहुत सही था. सही था यानी कि बहुत लॉजिकली देखा जाए तो भी सही था, और जो रीजंस दिया गया था, जैसे एक्सप्लेन किया गया था, वो भी बहुत ऑर्डर बहुत अच्छा था. ओके, तो हम लोग अभी डेविड ह्यूम पढ़ेंगे. ह्यूम बिलीव्स दैट सेंस एक्सपीरियंस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज. ह्यूम के हिसाब से जो सेंसेस हम लोग, टच, साइट, स्मेल, टेस्ट, ये जो हम लोग के फाइव सेंसेस हैं, हम लोग वो यूज करके जो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ नॉलेज, यानी कि वो फर्स्ट सोर्स रहते हैं. जैसे कि हम लोग को कैसे पता चलते हैं कि बर्तन गर्म है कि नहीं, हम लोग उसे टच करते हैं तो हम लोग को पता, वो हम लोग का फर्स्ट नॉलेज होगा. जैसे हम लोग टच करेंगे, हम लोग को अगर चटका लगा तो वो गर्म है, तो डेविड ह्यूम के हिसाब से हम लोग जो फर्स्ट जो नॉलेज हम लोग को मिलता है ना वर्ल्ड के बारे में, फर्स्ट हम लोग का वो जो सेंसेस रहते हैं वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, प्राइमरी यानी कि फर्स्ट. इन आवर माइंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आइडियाज, वी कैन नॉट गेन नॉलेज फ्रॉम ऑल ऑफ देम. ह्यूम असर्ट्स दैट ओनली द आइडिया एक्वायर्ड थ्रू सेंस एक्सपीरियंस आर यूजफुल इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. ह्यूम के हिसाब से हम लोग के अंदर जो आइडियाज रहते हैं, जैसे आइडिया ऑफ गॉड, हम लोग को किसी ने सिखाया नहीं है कि गॉड का गॉड ऐसे दिखते हैं, ऐसे सब ऐसे हम लोग को सिखाया नहीं, हम लोग के माइंड में ऑलरेडी ऐसे इनबॉर्न आइडिया है गॉड के बारे में, या फिर हम लोग का पेरेंट्स हम लोग बहुत केयरिंग है, बहुत लव करते हैं, वैसे सब हम लोग के अंदर ऑलरेडी वो आइडिया है, हम लोग वो कोई सिखाते नहीं है. लेकिन डेविड ह्यूम बोलते कि वो जो आइडियाज हम लोग के अंदर है वो सब सही होना जरूरी नहीं है. ऐसे भी आइडियाज होते हैं जो हम लोग के
पास है हम लोग के दिमाग के अंदर वो आइडिया, लेकिन हम लोग वो एक्सपीरियंस कर नहीं सकते। जैसे कि गॉड का आइडिया हम लोग के दिमाग के अंदर है, लेकिन हम लोग वो एक्सपीरियंस नहीं करते, गॉड को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं किया है, सेंस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग के सेंसेस से वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। पेरेंट्स हम लोग का बहुत केयर करते हैं, सो माय पेरेंट्स लव मी, मैं वो कैसे सेंस एक्सपीरियंस से कैसे मैं ये एक्सपीरियंस करूँ। मैं टच करके बता सकती हूँ कि मेरा पेरेंट्स मेरे को लव कर, मेरे से बहुत केयर करते हैं कि नहीं, वैसे नहीं होते। तो डेविड ह्यूम बोलते जो आइडियाज हम लोग के दिमाग में हैं, वो अगर हम लोग सेंस एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो वो एग्जिस्ट करना, वो आइडियाज गलत है, नहीं आइडिया वो नॉलेज नहीं है, सिर्फ वो एक आइडिया ही रहेगा, वो नॉलेज नहीं हुआ। वी गेट डिसीव्ड व्हेन वी कंसीडर द आइडियाज विच आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस टू बी ट्रू एंड ट्राई टू प्रोड्यूस नॉलेज फ्रॉम देयर। ह्यूम स्ट्रॉन्गली असर्ट्स दैट इवन इफ दीज आइडियाज आर वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेल रिसीव्ड बाय द कम्युनिटी, सच आइडियाज शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। Hume offered an experience-based critical analysis on the understanding of causation that was prevailing before him. Hume बोलते हैं अगर ये हर आइडिया जो अपने के दिमाग के अंदर है, हम लोग वो हर आइडिया बिलीव करने लगे तो हम लोग को डिसीव करते, डिसीव करना यानी कि कैसे बोलूँ, डिसीव करना यानी कि ऐसे होता है कि कोई कोई हम लोग ऐसे होते ना जो कोई ऐसे लोग होते हैं जैसे गुरु है बोल के लोग चलते हैं, लेकिन एक्चुअली लोगों का पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसे सब रिलीजन के नाम पे हो सकते हैं, भगवान के नाम पे हो सकते हैं, या फिर हम लोग का फॉर्च्यून बताते हैं, हाथ में देखे हम लोग के लकीरें देखे बताते कि तुम लोग का फ्यूचर ऐसे ऐसे होगा। वो सिर्फ हम लोग का एक आइडिया बेस्ड है। अगर हम लोग बिलीव करें कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, तो हम लोग अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, डिसीव करने यानी कि खुद को झूठ बोल रहे हैं। ओके, तो हम लोग ऐसे आइडियाज अगर फिर भी जैसे बोला गया है, अगर रिलीजन में होली बुक्स में लिखा गया है, तो भी ये सिर्फ एक आइडिया हुआ, हम लोग ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। डेविड ह्यूम के हिसाब से ऐसे है कि अगर हम लोग ने एक्सपीरियंस नहीं किया और हम लोग उसे बिलीव कर रहे हैं, तो हम लोग खुद को झूठ बोल रहे हैं। ओके, डेविड ह्यूम ऐसे बोल रहे हैं। और डेविड ह्यूम बोलते हैं चाहे वो पूरा दुनिया ही एक्सेप्ट कर ले वो आइडिया, फिर भी सिर्फ दुनिया एक्सेप्ट करने से वो आइडिया सही नहीं बन जाते। ओके, और ह्यूम बोलते हैं ही ऑफर्ड एन एक्सपीरियंस, ये जो एक्सपीरियंस का एनालिसिस किया कि क्या क्या चीजें हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसका एक लिस्ट बनाया था ह्यूम ने। एज पर द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पीरियड, कॉज इज दैट विच हैज द पोटेंशियलिटी टू प्रोड्यूस इफेक्ट। Since the effect emerges from this potentiality, effect cannot be more powerful than cause. Hume के हिसाब से cause has the potential to, cause एक ऐसा चीज है जिसके अंदर potential होते हैं effect produce करने का, यानी कि cause एक ऐसा चीज है जिसके अंदर एक ताकत होती है effect produce करने का। Okay? Since the effect emerges from cause, यानी कि effect कॉज के थ्रू आता है, इसीलिए इफेक्ट कैन नॉट बी मोर पावरफुल देन द कॉज, यानी कि जो हम लोग का जो रीजन रहते हैं यानी कि जो कॉज रहते हैं वो इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल, जो इफेक्ट रहते हैं वो कॉज से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे कि जो टीचर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते, या फिर जो टीचर्स है वो प्रिंसिपल से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। क्यों? जो टीचर्स है वो प्रिंसिपल के अंडर आते हैं, यानी कि लोग नीचे काम करते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल के थ्रू टीचर्स आते हैं और टीचर्स के थ्रू स्टूडेंट्स आते हैं, वैसे हैं। तो कभी भी जो इफेक्ट है यानी कि जो टीचर्स है वो प्रिंसिपल से ज्यादा यानी कि कॉज से ज्यादा पावरफुल नहीं होते वैसे। दिस व्यू वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय साइंस। साइंस ने भी ये व्यू ये एक्सेप्ट किया है कि कभी भी इफेक्ट कॉज से बड़ा नहीं होते। अ रैशनलिस्ट फिलोसोफर लाइक डेस्कार्टेस वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस व्यू। डेस्कार्टेस पता है ना, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, उन्होंने भी ये बोला है कि ये जो व्यू है डेविड ह्यूम का ये एक्सेप्ट किया है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोली कि डेविड ह्यूम का व्यू बहुत नोटवर्दी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है।
Another related view was that there is a necessary relationship between cause and effect. That is, if the cause is present, then the effect must be generated. It is true that there cannot be an effect without a cause, but it is also true that there cannot be a cause without an effect. Rationalists have accepted the necessity of cause-effect relationship. इधर ये बोला हेलो, आवाज नहीं आ रहा। हेलो 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 हेलो। हाँ अभी आ रहा है आवाज? हाँ सो द सेकंड व्यू वाज दैट दैट एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट. सेकंड व्यू ये था कि हर कॉज के लिए एक इफेक्ट रहते हैं. तो बाकी जो रैशनलिस्ट है वो ये एक्सेप्ट करा कि हर कॉज इफेक्ट रहते हैं. देर इज नो कॉज विदाउट एन इफेक्ट एंड देर इज नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज. ये आइडिया एक्सेप्ट किया है जो रैशनलिस्ट होते हैं, वो लोग ने ये एक्सेप्ट किया है. लेकिन डेविड ह्यूम बोलते हैं ये नेसेसरी नहीं है. यानी कि कॉज इफेक्ट कॉज के साइड में बात इफेक्ट होना या फिर इफेक्ट कॉज की वजह से होना ये जरूरी नहीं है. ये रिलेशनशिप ये जो जो साथ में आते नहीं है वो होना जरूरी नहीं है, ऐसे बोलते हैं डेविड ह्यूम. इन हिज एनालिसिस ह्यूम स्टेट्स दैट विच एग्जैक्टली मीन्स दैट द इवेंट इज cause of another event while asserting a and cause of b following things are implied. yani ki हाँ इधर डेविड ह्यूम ने चार चीजें बताया. इसने कॉज को ए बोला है और इफेक्ट को बी बोला है. ओके कॉज ए है और इफेक्ट बी है. ए एंड बी आर क्लोज टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम. यानी कि कॉज एंड इफेक्ट आर क्लोज टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम. जो कॉज एंड इफेक्ट रहते हैं वो एक दूसरे के पास पास रहते हैं. यानी कि एक कॉज हुआ थोड़े टाइम बाद उसका इफेक्ट भी आ जाता है. यानी कि टाइम के थ्रू लोग जुड़ा हुआ है. और स्पेस जो स्पेस यानी कि डायरेक्शन जो डायरेक्शन में जो ये कॉज एंड इफेक्ट होते हैं वो भी साथ में है. अगर राइट साइड में कॉज है तो राइट साइड में ही इफेक्ट होगा. वैसे ए एंड बी आर बाउंड इन अ सीक्वेंस. ए ऑलवेज एग्जिस्ट प्रायर टू बी. ए एंड बी यानी कि कॉज एंड इफेक्ट आर बाउंड इन सीक्वेंस. यानी कि एक सीक्वेंस रहते हैं, हमेशा कॉज पहले आते हैं इफेक्ट से. ओके ये ऑर्डर में ही आएगा. ऐसे कभी नहीं होगा कि इफेक्ट पहले आए और कॉज बाद में. ओके तो हमेशा कॉज पहले आते हैं उसके बाद इफेक्ट आते हैं. मतलब एक सीक्वेंस रहते हैं, एक ऑर्डर रहते हैं इस चीज का. देर इज अ रेगुलर एसोसिएशन ऑफ को रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी आर कॉन्स्टेंटली टूगेदर. जो कॉज एंड इफेक्ट रहते हैं वो हमेशा साथ में आते हैं. कि अगर मैं बॉल ऊपर फेंके तो मैं 10 महीने बाद वो नीचे नहीं आते, वो उसी सेकेंड में नीचे आते हैं. यानी कि जो कॉज है बॉल के नीचे आने का, यानी कि मैं जो भेज रही हूँ बॉल थ्रो कर रही हूँ ऊपर, वो नीचे आना ही है, वो साथ में आते हैं. तो एक एसोसिएशन है. यानी कि कॉज होगा तो इफेक्ट होगा, फिर कॉज होगा फिर इफेक्ट होगा. ये जो रेगुलेशन है यानी रेगुलर है, ये पैटर्न रेगुलर है. ओके ए एंड बी आर नेसेसरीली रिलेटेड. चार है कि कॉज एंड इफेक्ट आर नेसेसरीली रिलेटेड. ये चार चीजें बोला गया है कॉज के बारे में. तो ह्यूम एनालिसिस ऑल दीज फोर फैक्टर्स रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द कैजुअल रिलेशनशिप बाय यूजिंग द एम्पेरिकल मेथड. He concludes that the first three ideas of proximity, sequentiality, regular association are created on the basis of sense experience. Hume बोलते कि जो first तीन बोला है ना कि हमेशा ये एक साथ रहते हैं और ये space and time occupy करते हैं वो. Second बोला है कि हमेशा cause पहले आते हैं और effect बाद में. Okay और third जो बोला था कि कोरिलेशन रेगुलर एसोसिएशन यानी कि एक रेगुलर पैटर्न रहते हैं इसको. ये तीनों
ह्यूम ने एक्सेप्ट किया क्योंकि ये तीनों हम लोग सेंस एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं. लेकिन जो लास्ट व्यू है, वी नेवर एक्सपीरियंस द आइडिया ऑफ नेसेसरी कनेक्शन. जो नेसेसरी कनेक्शन है उसका आइडिया को हम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. आगे जो मैं बोलूंगी एक एग्जाम्पल है, वो मैं रीड करूंगी तभी आपको समझ में आएगा. Following the empirical standpoint according to which that which cannot experience does not exist. So empirical view क्या है कि अगर मैं experience नहीं कर सकता तो वो exist नहीं करते. Okay? So Hume बोलते कि जो necessary condition यानी कि हमेशा हमेशा cause के side में बाद effect आएगा और दोबारा हमेशा cause के बाद effect आएगा. जो connection रहते ना वो necessary नहीं है, हर चीज में ये apply नहीं होते. तो एग्जाम्पल ये है, क्यूम यूज जो एग्जाम्पल में सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ. जो एक कैंडल लिया, ओके, वो हम लोग ने सनलाइट में रखा, बहुत स्ट्रॉन्ग हीट और सनलाइट था, उस उधर रखा तो कैंडल मेल्ट होने लगा. ओके, तो वो कैंडल मेल्ट हो रहे हैं, यानी कि कैंडल मेल्ट होने का रीजन क्या है कि हीट, जो सनलाइट है उससे जो हीट प्रोड्यूस हुआ है, जो गर्मी प्रोड्यूस हुआ है, वो है उसका कॉज कैंडल मेल्ट होने का. तो कैंडल मेल्ट होना उसका इफेक्ट हुआ. ये हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट थिंग है कि हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये. सेकंड है कि इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम ये हमेशा साथ में रहते हैं. एक टाइम जो कैंडल रखा था, एक टाइम के बाद वो हमेशा मेल्ट ही होएगा, चाहे मैं एक कैंडल रखूँ या दो कैंडल रखूँ. ओके, तो एक फर्स्ट पॉइंट जो था कि ए एंड बी यानी कि कॉज एंड इफेक्ट आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन स्पेस एंड टाइम, वो करें. ओके, वो हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं ना, तो हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सेकंड ये है कि एक सीक्वेंस रहते हैं कि हम मैं कैंडल बाहर रखूंगी तो ही वो मेल्ट होएगा ना, कैंडल मैं फ्रिज में रखूँ तो वो मेल्ट होएगा नहीं. तो इसीलिए जो कैंडल मैं रखी हूँ तो एक सीक्वेंस रहते हैं हमेशा, अगर कैंडल मेल्ट होना है तो मेरे को सनलाइट के नीचे या फिर कुछ हीट के नीचे उसे रखना ही पड़ेगा. तो ये एक सीक्वेंस है, मैं कैंडल रखूंगी उसके बाद मेल्ट होगा वो, पहले वो मेल्ट होगा फिर मैं कैंडल रखूंगी, ऐसे उल्टा ऑर्डर में नहीं होते हैं कभी भी. थर्ड बोल रहे कि हमेशा जब भी चाहे जितने भी बार मैं कैंडल बाहर रखूँ वो हमेशा मेल्ट होगा सनलाइट के नीचे, वो हमेशा ही मेल्ट होगा. तो डेविड ह्यूम बोलते हैं ये तीनों चीजें हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं सेंस से. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं जो कैंडल मैं जब भी बाहर रखूं तभी मेल्ट हो जाए, एक टाइम पीरियड के बाद वो मेल्ट होते हैं. ओके, ये अभी समझ में आया तो मैं अभी ये रीड करती हूँ. ओके, सुनो. लेट्स एक्सप्लेन डेविड ह्यूम्स व्यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. वी एक्सपीरियंस दैट इफ अ कैंडल इज केप्ट इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ अ सन for a long time the wax melts. We explain this experience as the scorching heat is the cause. The scorching heat yani ki heat is the cause and the melting of the wax is the effect. The wax does not melt unless the sunlight and the wax come in contact with each other. Jab tak wax melt nahi hoga jab tak sunlight aur wax contact mein na ho. This experience reinforces the idea that cause and effect are closely related to each other. जो first idea है वो इसे prove करते कि correct है. It never so happens that the wax melts first and then the candle. ऐसे कभी नहीं होते कि wax पहले melt हो उसके बाद हम लोग उसे sunlight के नीचे रखें. तो हम लोग का जो second idea था कि हमेशा cause पहले आते हैं वो भी correct. As per the notion of sequentiality, the candle melts only after it is kept in the sunlight. Regardless of the number of times we place it, the candle in the sunlight melts every time. So, this third possibility is that always regular association. That means, when I keep candle in sunlight, then it will melt. No matter how many number of times I keep it. So, we prove the three ideas correctly. But while seeing the candle melt in the heat, we never experience the necessity. Even if this instance is repeated, necessity is not experienced. Chahe ye baar baar repeat bhi ho jaye,
ये नेसेसरी नहीं है कि जब मैं कैंडल बाहर रखू, वो हम लोग एक्सपीरियंस करने नहीं होते कि मैं कैंडल बाहर सन के नीचे रखा और वो मेल्ट हो रहे हैं, वो हम लोग सिर्फ दिख रहे हैं लेकिन वो हम लोग का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, यानी कि बार बार हम लोग उसको नेसेसरी नहीं है। अगर मैं कैंडल बाहर ना रखूँ तो भी वो, अगर मैं कैंडल जला दूँ तो भी वो मेल्ट हो सकते हैं। तो ये जो कॉज है और इफेक्ट है वो नेसेसरी पैटर्न नहीं है, यानी कि वो नेसेसरी नहीं है कि मैं कैंडल बाहर रखने से ही वो मेल्ट हो, चाहे मैं कैंडल अंदर गैस के पास जाके रख दूँ या फिर उसे जला दूँ तो भी वो मेल्ट हो सकते हैं। तो ये जो बाकी फर्स्ट थ्री पॉइंट्स करेक्ट है लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वो नेसेसरी नहीं है, वो हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ओके, फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशन ह्यूम कंक्लूड्स दैट ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसिटी इज डीपली रूटेड इन आवर माइंड, इट हैज नो बेस इन रियलिटी। हम लोग को पता है कि ये बाहर रखना जरूरी है ये मेल्ट होने के लिए, लेकिन ये सिर्फ अपने माइंड के अंदर है कि कैंडल जलाएगा तो ही वो मेल्ट होएगा, ये हम लोग के माइंड के अंदर है, ये हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, ये हम लोग के माइंड के अंदर है, वो हम लोग ब्रेन से निकाल के प्रूव नहीं करते। इसीलिए इन रियलिटी बोलते हैं कि ह्यूम बोलते हैं इन रियलिटी उसका कोई बेस नहीं है, यानी कि उसका वो आर्ग्यूमेंट का कुछ वैल्यू ही नहीं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ देन इज द आइडिया सो वाइडली एक्सेप्टेड। तो अभी ह्यूम बोलते हैं कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चाहे हम लोग के आइडिया सिर्फ माइंड के अंदर हो फिर वो सब लोग एक्सेप्ट क्यों करते हैं। जैसे गॉड का आइडिया हम लोग के माइंड के अंदर है, किसी ने गॉड देखा नहीं है, किसी ने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, तो फिर ये आइडिया सिर्फ अपने माइंड के अंदर है। तो ह्यूम बोलते हैं और लेकिन फिर सिर्फ हम लोग के माइंड के अंदर है तो बाकी सारी दुनिया इसे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। उसके लिए ह्यूम बोलते हैं कि ह्यूम आंसर्स दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट। ह्यूम बोलते हैं कि ये एक मन का साइकोलॉजी है कि ये आइडिया हम लोग वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। Many times we see the regular association of cause and effect. Many times we also experience that the effect never occurs without the cause. Due to the experience of regular association between cause and effect, we start believing that there is a necessary relation between these two. क्योंकि हमेशा हम लोग ने जो भी देखा है, experience किया है कि हर cause के बाद एक effect आता है। इसीलिए हम लोग ये cause और effect ये हमेशा follow करते हैं। हमेशा जरूरी है कि कॉज के बाद इफेक्ट आए, अरे कॉज के बाद इफेक्ट आए, वैसे वो पैटर्न जरूरी है। हम लोग इसीलिए सोचते हैं क्योंकि हम लोग ने वो ही देखा है, बार बार एक चीजें देखे या फिर बार बार एक चीज सुन ले हम लोग तो बाय हार्ट हो जाते हैं ना हम लोग को। तो ह्यूम बोलते हैं कि अपने दिमाग के अंदर एक माइंड का एक साइकोलॉजी है कि हम लोग जो चीजें बार बार सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, वो हम लोग बिलीव करने लगते हैं कि कॉज के बाद इफेक्ट आना जरूरी है, ऐसे हम लोग बिलीव करने लगते हैं, वो हम लोग की माइंड के अंदर है। बट दिस इज नॉट द फैक्ट, क्योंकि माइंड के अंदर हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, ये फैक्ट नहीं है। इफ एनी रिलेशनशिप इज नेसेसरी देन इट्स डिनायल लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन। इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू से दैट अ फिगर इज ट्रायंगुलर, हाउएवर इट डज नॉट हैव थ्री साइड्स बट ओनली टू साइड्स। Saying that a candle did not melt in the sun can be false, but not contradictory. जो कैंडल है वो सन के नीचे मेल्ट नहीं हुआ, ऐसे हम लोग बोल सकते क्योंकि हम लोग कैंडल चाहे वो उसे कोई भी हीट ऑब्जेक्ट के पास रखे तो भी वो मेल्ट हो सकता है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्री नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रडिक्ट्री यानी कि एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसके लिए हम लोग ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट आए। ओके, लेकिन अगर मैं बोलू कि एक फिगर है उसको मैं ट्रायंगल बुला रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि सिर्फ उसको दो साइड्स है, ऐसे हो ही नहीं सकते। ट्रायंगल के लिए हम लोग ट्रायंगल उसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको तीन तीन साइड है, क्योंकि तीन साइड, तो मैं एक ट्रायंगल को देख पॉइंट कर रही हूँ और बोल रही हूँ उसको दो साइड्स है, वो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो फिर ट्रायंगल ही नहीं होगा, वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है। वो आर्ग्यूमेंट हम लोग जीत सकते हैं, वो आर्ग्यूमेंट हम लोग कर सकते हैं। ओके, it is possible for us to imagine a candle that may not melt even in the heat, but we can you think of a triangle with two sides? kya aap soch sakte ho ek triangle jiska do side ho? nahi soch sakte hum log kyunki use triangle isliye bulaya gaya kyunki usko teen side hai, lekin hum log ye soch sakte hain
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हम लोग ये सोच सकते हैं ऐसा कैंडल है जो हीट में भी ना मेल्ट हो. साइंस का इतना अजीब अजीब इन्वेंशन आया है कि ये भी हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसे कैंडल है कि हम लोग हीट के पास रखे तो ना मेल्ट हो. वो अपने इमेजिनेशन में हम लोग आ सकते हैं. लेकिन एक ट्राइंगल इमेजिन करो. ट्राइंगल इमेजिन करेगा तो उसमें जब भी जब इमेजिन करो तभी तीन साइड आए गए. एक सर्कल इमेजिन करो, एक सर्कुलर चीज होगा. एक स्क्वायर इमेजिन करो तो इक्वल साइड होगा. ऐसे ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल चीजें है ना, वो जब भी हम लोग इमेजिन करते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक रहते हैं. ओके, उसमें कोई चेंज नहीं आता है. लेकिन ऐसी चीजें जैसे जो साइंटिफिक चीजें जैसे कैंडल मेल्ट होते हीट में, वो हम लोग ये फैंटेसी के तरीके से भी सोच सकते हैं ऐसा कैंडल जो मेल्ट ना हो. ओके, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं. वो सोचने में प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोच सकते कि एक ट्रायंगल है और उसमें सिर्फ दो ही साइड है. ओके, ह्यूम्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कॉजुअलिटी क्रिएटेड एन अपहीवल इन द फील्ड ऑफ बोथ फिलोसफी एंड साइंस. जो ह्यूम का ये आइडिया है ना, वो बहुत ये हुआ, लाइक बहुत आर्ग्यूमेंट्स आने लगे इसके बाद ह्यूम का ये आइडिया के लिए, फिलोसफी में भी और साइंस में भी. The attempts made to counter his views were helpful for the development of philosophy, especially of epistemology and methodology. जो अगर एक philosopher ने कुछ बोला है तो दूसरे philosophers तो उसको बोलेगा, like contradiction आएगा ना, लोग अपना opposite views डालने लगेंगे. तो जब जैसे ही लोग ऐसे try करने लगे Hume का theory गलत है बोलने के लिए, तभी बहुत सारा development हुआ philosophy में और दो field में हुआ है, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथडोलॉजी. मेथडोलॉजी ये एक मेथड, मेथडोलॉजी यानी कि मेथड होते हैं. ओके, तो ये हुआ हम लोग का, ये हम लोग का वी हैव फिनिश्ड, वी डिडंट फिनिश द सेकंड चैप्टर, ओनली लास्ट पार्ट साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इज लेफ्ट, बट वी हैव फिनिश्ड द मॉडर्न व्यू ऑफ नोशन ऑफ कॉज.